एटीट्यूड तो ऐसा दिखा रहा है जैसे सारी लड़कियां इसी पे मरती हो। पठानी पहन के जब मैं तैयार होता, बाइक पे अपनी मैं जब सवार होता, मुझे देख के सारी लड़कियों की माँ यही कहती, काश मेरी बेटी को भी सुफियान से प्यार होता। जो चला गया इस बात पे हम गौर नहीं करते, हम इश्क में वो करते हैं जो और नहीं करते। मोहब्बत देखो आज भी नंबर याद है उसका, खुददारी मगर हम उसे कॉल नहीं करते। उसने कहा लगाकर मुझे फोन, खुद को मौन मत किया कर। उसने कहा लगाकर मुझे फोन, खुद को मौन मत किया कर, और जो था सब खत्म हो गया, सुन अब इस नंबर पर फोन मत किया। बेबी मेरे को दर्द हो रही है यहाँ पे। अब ठीक है मेरा बेबी? हाँ जी ठीक है। अरे हम लोग सुनने आए यहाँ पर, करीब की मजबूरी नहीं समझ रहे। लग जाए सम्मान भाइयों का, माँ कसम झुकने नहीं देंगे। और महफिल में तुम्हारी हो या सामने या इधर लड़ाई हो गई, थप्पड़ गिनते रहेंगे, रुकने नहीं देंगे। सुना है बहुत घमंड है तुम में, कभी आओ मिलने। ओ जाने मन किधर भैया? अबे चुप, क्या हर बात में भैया, कल पटेगी सो आज पट, आज पटेगी सो अब, बाद में आंटी बन जाएगी फिर पटेगी कब। ज़ैन। हाँ भाई। जो अच्छे दिल के लोग होते हैं अक्सर वही क्यों परेशान होते हैं? ऊपर वाला जिसे पसंद करता है ना, उन्हीं लोगों को परेशान करके उनके इम्तिहान लेता है भाई, फिर उन लोगों को ऐसी कामयाबी देता है। जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं ना, वो लोग देखते रह जाते हैं। वाह मेरे भाई, तूने सही कहा। अगर कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो उस लड़की के अंदर ये पांच चीजें देखने को मिलेंगी। आप सबसे पहले इंसान होंगे पूरी दुनिया में जिनके साथ वो अच्छी और बुरी बातें शेयर करेंगी। वो अपनी खुशी को बाद में देखेगी और आपको पहले। वो अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी चीज आपको बताएगी। वो आप पर ट्रस्ट करेगी सबसे ज्यादा। वो आपकी हिम्मत बनेगी, आपकी ताकत बनेगी, आपको हौसला देगी, आपके बुरे टाइम में आपके साथ रहेगी। वो आपके सपनों की इज्जत करेगी और आपको मोटिवेट करेगी कि आप आगे बढ़े जिंदगी में। और ये सब चीजें हमारी मम्मी में होती हैं। तुझे पता है जब मैं छोटी थी ना, एक मिनट तू बड़ी कब हुई बे बुटकी। गर्लफ्रेंड सभी को चाहिए, लेकिन वाइफ ऐसी चाहिए जिसका कभी बॉयफ्रेंड ना रहा हो। वाह।